नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस के 85वीं राष्ट्रीय अधिवेशन का आज तीसरा और आखिरी दिन है। राहुल गांधी ने आखिरी दिन अधिवेशन को संबोधित करते हुए भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस यात्रा के दौरान मैं देश के सभी तबके से मिला। भारत जोड़ो यात्रा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वहीं अधिवेशन का समापन रविवार को दोपहर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के साथ होगा। भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा, मैं सोचता था कि फिट हूँ, 20 किलोमीटर या फिर 25 किलोमीटर चल लूंगा, लेकिन यात्रा शुरू होते ही घुटनों का पुराना दर्द लौट आया और 10-15 दिनों में मेरा अहंकार खत्म हो गया। भारत माता ने मुझे संदेश दिया, तुम अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने निकले हो तो दिल से अहंकार मिटाओ, वरना मत चलो। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, हम हैं सत्याग्रही और भाजपा सत्ताग्रही। वे लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अडानी से कहा कि वो 106 नंबर से 2 पर कैसे पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा, मैंने संसद में एक उद्योगपति के खिलाफ मोर्चा खोला। मैंने एक फोटो दिखाई जिसमें मोदी जी अडानी के साथ प्लेन में बैठे हैं। मैंने पूछा, रिश्ता क्या है, तो भाजपा सरकार के सभी मंत्री अडानी की रक्षा करने लगे। अडानी पर हमला करने वाला देशद्रोही और अडानी देशभक्त बन गए। भाजपा और संघ उस व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं। सवाल ये है कि रक्षा क्यों कर रहे हैं? ये जो सेल कंपनियां हैं, हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान भेज रही हैं, ये किसकी है, इसमें किसका पैसा है? जांच क्यों नहीं हो रही है? जेपीसी क्यों नहीं बन रही है? राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस तपस्वी लोगों की पार्टी है। 4 महीने की तपस्या से बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इस तपस्या को बंद नहीं होने देना है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता इस तपस्या में शामिल होंगे और अपना खून पसीना देश को देंगे। जैसे ही हम तपस्या में खड़े होंगे, पूरा देश हमारे साथ तपस्या में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये देश तपस्वी का है।